चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो उससे पहले आपके पास पहला ऑब्जर्वेशन ये होता है कि इसका कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला तो दिख नहीं रहा है हमें, यह कोई स्टैंडर्ड डायरेक्ट फॉर्म में है नहीं, मतलब अभी ये जो दिख रहा है ये इंटीग्रेबल फॉर्म में नहीं है। फिर तो कुछ इंटीग्रेबल फॉर्म में पहुंचाना पड़ेगा। तो ऑब्जर्वेशन आप दूसरा कर सकते हैं, जो न्यूमरेटर पड़ा हुआ है एक्स स्क्वायर, ये किसका डेरिवेटिव होगा? तो जाहिर सी बात है कि एक हायर पावर का डेरिवेटिव होगा, मतलब एक्स पावर 3 का डेरिवेटिव होगा। इसका मतलब कि इस चीज़ को एक्स क्यूब का क्या लिख लिया जाए, स्क्वायर लिख लिया जाए। तो अगर हम ऐसा करते हैं, दैट इज 3x² और इट कुड बी रिटेन एज ए एक्स क्यूब का स्क्वायर, है ना। हम एक्स स्क्वायर का क्यूब भी लिख सकते थे, बशर्ते यहाँ पे आपका सिंपल एक्स होता तो। लेकिन यहाँ पे हमें पता है कि ये एक्स क्यूब का डेरिवेटिव है, इसलिए हमने एक्स क्यूब का स्क्वायर लिखा है dx। ठीक, अब यहाँ पे मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन लगा देंगे, लेट एक्स क्यूब इक्वल्स टू टी हो गया आपका 3x² dx किसके इक्वल हो जाएगा, dt के इक्वल हो जाएगा। तो जहाँ आपका 3x² dx है, यहाँ पे आप क्या रख दोगे, dt रख दोगे, और जहाँ पे एक्स क्यूब है वहाँ पे आप t रख दोगे। पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका कन्वर्ट हो चुका होगा t में, तो दैट इज t² + 1, और ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, 1/t² + 1, टेन इनवर्स t होता है इसका फॉर्मूला। तो इट कुड बी रिटेन एज ए टेन इनवर्स t, है ना। ये x² + a² से मैच कर रहा है, टेन इनवर्स t प्लस एक इनडेफिनिट कांस्टेंट आपका c हो गया। तो t था क्या, क्योंकि t तो डमी वेरिएबल हमारा है, तो t को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। t क्या है आपका, x³ है। तो यहाँ पे लिख देंगे टेन इनवर्स ऑफ x³ + c, दैट इज योर फाइनल आंसर।